अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं उस्मा ताहिर और इस वक्त मैं दोबारा से हैदराबाद में मौजूद हूँ। आई एम सो हैप्पी कि दूसरी दफ़ा भी मुझे ये वुमेंस अवार्ड मिल रहा है। और यहाँ पे वो तमाम खवातीन थी जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत सारा काम किया था। अच्छा, मेन अवार्ड देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को अवार्ड देना बड़ी बात है जो डिजर्व करते हैं। तो यहाँ ये कहूँगी कि ये वो तमाम खवातीन हैं जो अपने अपने शोबे में बहुत प्रॉपर है, उन्होंने मेहनत की है और कोई ना कोई किसी न किसी कितने सीट पर बैठी हुई है। अच्छा, मैं एज अ एंकर पर्सन, एज अ होस्ट यहाँ हूँ, तो अच्छा ये लगता है कि जब आपका काम आपकी पहचान बनता है और लोगों को नजर आता है तो आपका ये होता है कि आप कहीं भी जाकर लोग रजिस्टर करते हैं कि जी आपने जिंदगी में ये किया। अब हम बात करते हैं कि रौफ चांडियो साहब ने जो ये महफिल सजाई, उस हवाले से मुबारकबाद देना चाहूंगी, लेकिन साथ साथ फोकस करूंगी कि जो सिंध में है थोड़ा प्रॉब्लम है, औरतों को प्रॉपरली पढ़ाया नहीं जाता, उनको मतलब मैट्रिक तक भी नहीं लेके जाते और कहते हैं जी आठवीं में वो बच्ची की शादी करते। तो थोड़ा सा मैं गवर्नमेंट लेवल पे ये रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से कि यहाँ पर अगर हम प्रॉपरली औरतों पर तवज्जो दें, कोई इंस्टीट्यूट बनाए, डोर टू डोर जाए, तो वो औरतें जो बहुत छोटी एज में कहते हैं ना वो शादी कर उनकी कर दी जाती है, वो पढ़ें और जब वो पढ़ेंगी ना तो वो अच्छी माएँ बनेंगी। तो ये मैसेज है कि प्लीज़ अपनी औलादों को, अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि अच्छी खवातीन जो अच्छी माँ होती है वो बच्चों को अच्छी तरह कर सकती है।